छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय महारानी अस्पताल की दो संविदा नर्सों ने बुधवार की शाम दवाओं के हाई डोज का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। इससे पहले संविदा नर्स जिज्ञासा और रुबीना बेगम ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखकर आरोप लगाया है कि महारानी अस्पताल में उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इसके पीछे डॉक्टर के नाग लक्ष्मी टांडिया सौरभ कोचर को उन्होंने जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा है कि उन्हें धमकी दी जाती है, संविदा पद पर होने की वजह से छोटे पद को लेकर ताने मारे जाते हैं और डांट फटकार की जाती है, इसी वजह से वे आत्महत्या करने की सोच रही हैं। इधर इस प्रकरण में अस्पताल अधीक्षक संजय प्रसाद ने कहा है कि जिला अस्पताल के कुछ स्टाफ ने दवाओं का अतिरिक्त सेवन किया है, दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है। इसके पीछे उन्होंने कार्य स्थल पर प्रताड़ित होने को वजह बताया है। जांच कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच की जा रही है, जरूरी कार्यवाही की जाएगी। आज अभी जिला चिकित्सालय में हमारे एक स्टाफ ने कुछ दवाओं का सेवन किया है, जिसमें कि पैरासीटामोल की 3-4 गोलियां हैं, करके एडमिट हुई है हॉस्पिटल में। शिकायत ये थी कि वो परेशान हो रही थी अपने कार्य पर, अपने कार्यस्थल पर, जिसकी कि जांच पूर्व में ही हो चुकी है और यह जांच अभी चालू है। इसी दौरान उन्होंने अपने ये पैरासीटामोल गोलियों का सेवन किया है। आगे भी ये जांच अभी और जारी रहेगी, इसलिए अलग से एक कमेटी गठित कर दी गई है। कितना नुकसान हुआ सर अभी? एकदम वो खतरे से बाहर है, उसको किसी भी तरह का कोई जान का खतरा नहीं है। क्या शारीरिक प्रताड़ना भी हुई है या सिर्फ मानसिक प्रताड़ना? कोई शारीरिक प्रताड़ना नहीं।